हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी डॉट दिव्या। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस माय एनी अपडेट्स। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे हमारे क्रिस्पी कॉर्न और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। एक कप मैंने स्वीट कॉर्न के दाने लिए हैं, जो भुट्टे होते हैं स्वीट कॉर्न वाले, उसके दाने निकाल लिए। एक ग्लास पानी को बॉईल किया और उसमें हम सारे दाने डाल देंगे और इसे 5-6 मिनट पकाएंगे, जिससे हमारे दाने आपको दिखेंगे, फूल जाएंगे दाने। हमारे दानों ने सारा पानी पी लिया होगा और एकदम जूसी दाने हो जाएंगे, आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसे अब हम छान लेंगे और ये देखिए एकदम ड्राई हो गए है। 10-15 मिनट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए एक कोटिंग हो गई है, बट ये ऊपर ऊपर कोटिंग हुई है। हम तेल के अंदर डालेंगे कोटिंग, तो ये सारी कोटिंग निकल जाएगी और हमारा तेल खराब हो जाएगा। इसी बीच मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी और डालूंगी, ताकि हम पानी डाल डाल के इसे कॉर्नफ्लावर डालते जाएंगे ना, इससे ही हमारा क्रिस्पी कॉर्न बनेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्न के ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे तेल गरम करूँगी, एकदम हाई फ्लेम पे तेल गरम करूँगी। इसके अंदर हम डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और ऊपर से लेड जरूर लगाइएगा आप। अगर आप लेड नहीं लगाओगे ना, हमारे भुट्टे के दाने कई बार अंदर पानी भरा हुआ रहते हैं, जिससे वो फूटते हैं, जिससे आपको तेल के छींटे भी लग सकते हैं। और ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं इसके चलनी के ऊपर निकालूँगी, आप इसे टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। टिश्यू पेपर सारा तेल पी लेगा, एक्स्ट्रा जो भी तेल होगा, जिससे हमारे कॉर्नफ्लावर सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही करके मैं दूसरा बैच बनाऊंगी और ऐसे ही हम अलट पलट करते हुए पकाएंगे और इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसका वेट करेंगे। आप यहाँ पे लेड जरूर लगाइएगा, क्योंकि भुट्टे के दाने फूटते ही है और फूटते तेल उछलता है और तेल हमारे ऊपर आने का पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी बन गया है और मैं इसे निकाल लूँगी एक दूसरे बाउल में। और बाउल में निकाल लिया मैंने इसे। अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी कॉर्न बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे बाकी सोशल एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके मुझे जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।